आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 27 साल के बाद सीरीज में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में मचा बवाल। रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर की हुई लड़ाई, जिसे देख दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने भी दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए अंतिम मैच में भारत को 27 साल बाद हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में बवाल मच गया। इस बीच रोहित शर्मा विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस दौरान सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर बेन स्टोक्स, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार ड्रेसिंग रूम में हुई रोहित शर्मा विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली गई। ऐसे में वनडे सीरीज को भारत 2-0 से हार गया, जिसके बाद भारतीय टीम 27 साल के बाद श्रीलंका के खिलाफ करारी हार का सामना कर पाया है। ऐसे में भारतीय टीम की सीरीज में हार के बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है। BCCI के सूत्रों के अनुसार पता चला है कि भारतीय टीम की हार के बाद ड्रेसिंग रूम में काफी खराब माहौल देखने के बाद, जहां पर कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। ऐसे में अब ड्रेसिंग रूम के खराब माहौल को देखते हुए दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर का बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हार के बाद मैं अब काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि भारतीय टीम को पता नहीं कैसे सीरीज के अंदर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम को एक सबक मिल चुका है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका ने कमजोर होने के बाद भी आपको हरा दिया है। लेकिन अब हार के बाद जो ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबर सामने आ रही है, उसके पीछे कितनी सच्चाई है इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह खबर वास्तव में सच्ची खबर तो मुझे लगता है कि ICC से पहले BCCI को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी सही करना चाहिए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हार के बाद मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबर सुनकर हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि गौतम गंभीर के आने से ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी ज्यादा बेकार हो गया था, जहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ गौतम गंभीर शुरू से दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा दोनों के ख्याल भी गौतम गंभीर से नहीं मिल रहे थे। ऐसे में मुझे लग रहा था कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में रोहित शर्मा विराट कोहली को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जो अब देखने को भी मिला है। ऐसे में उनके साथ हुई लड़ाई के बाद तीनों को शांतिपूर्वक वार्ता कर सलाह करनी पड़ेगी। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल गया। भारतीय टीम के खिलाड़ी और भारतीय दिग्गजों ने हमेशा से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था और पाकिस्तान का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार भारतीय टीम को सिर्फ एक सीरीज के अंदर मिली हार के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया। ऐसे में आज भारत को पता चल चुका है कि हार के बाद में ड्रेसिंग रूम का तो माहौल अलग होता है, क्योंकि उनका ज्यादातर जीतने की आदत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत को आने वाले समय में अपने माहौल को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा अब इसकी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती दिखाई दे सकती है। तो वहीं बेन स्टोक्स ने बयान देते हुए कहा है कि श्रीलंका की टीम के खिलाफ सीरीज में भारत को हार मिली है। भारतीय टीम की तरफ से इस सीरीज में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। ऐसे में कोच गौतम गंभीर का नाराज होना लाजमी था, लेकिन उनका इस हद तक भारतीय खिलाड़ियों के साथ सीधे मुंह बात करना और उनको फटकार लगाना काफी ज्यादा अब गलत साबित हो सकता था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ भारतीय कोच से के संबंध में बेहतर तरीके से जरूरी भी है। ऐसे में मेरा मानना है कि इन तीनों को अपने सीनियर खिलाड़ी होने की जिम्मेदारी को समझना चाहिए और माहौल बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल सीनियर खिलाड़ियों के व्यवहार से ही बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली की ड्रेसिंग रूम में लड़ाई को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद बीच मैदान में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली से लड़ पड़े हेड कोच गौतम गंभीर। तीनों खिलाड़ियों के बीच जमकर हुआ बवाल, दोनों ही गंभीर ने लगा दी जमकर क्लास, लगाई खूब फटकार। तो चलिए बताते हैं आपको गंभीर की उस हरकत के बारे में, उन तीनों के बीच हुई भयंकर विवाद का वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ी क्या वजह रही है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए। श्रीलंका की भारत को तीसरे वनडे में 110 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ श्रीलंका
श्रीलंका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से जीत ली है। श्रीलंका की टीम 27 साल बाद भारत के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। इससे पहले 1997 में भारत को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई वाली टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की भारतीय टीम को 3 मैच में हराया था। भारतीय टीम 11 वनडे सीरीज में विजयी रही थी, लेकिन इस बार श्रीलंका ने भारत को 2-0 से हराकर सीरीज जीती। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए 3रे मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 248 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर से स्पिनर्स के सामने संघर्ष करते नजर आए। टीम 26.1 ओवर में 138 रन पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज को गवा दिया, जिसके बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वहीं खेमे में भी मायूसी थी। हेड कोच गौतम गंभीर भी बेहद निराश थे। जब अवार्ड फंक्शन चल रहा था उस दरमियान गौतम गंभीर के चेहरे पर गुस्सा देखने को मिल रहा था, लेकिन गौतम गंभीर अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर जाएंगे ये किसी को भी नहीं पता था। जी हां, दरअसल जब रोहित शर्मा और विराट कोहली गौतम गंभीर के पास पहुंचे तब गुस्से में गौतम गंभीर तो उनसे बहसबाजी करने लगे। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तीनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मामला काफी गर्मा चुका है। गंभीर की बातों से ना ही रोहित और ना ही कोहली एग्री करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंभीर दोनों खिलाड़ियों पर बरसते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान हक्का बक्का रह गया। आखिरकार हो भी क्यों ना, ये तीनों भारत के विश्व चैंपियन बनने की उम्मीद है और उन्हीं तीनों के बीच ऐसा लग रहा है कि इस हार ने अब विवाद की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से गौतम गंभीर का गुस्सा रोहित कोहली पर जमकर फूटने लगा और बीच मैदान में खड़ी खोटी सुना दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम के सीरीज में हार का सबसे बड़ी वजह क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों को कर दिया नम। व्हाइट बॉल क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर हर किसी को चौंका दिया। इस खबर से रोहित के चाहने वालों का दिल चूर हो गया। तो आखिर अचानक रोहित शर्मा ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? कैसे श्रीलंका सीरीज गंवाने के बाद रोहित ने कर दिया संन्यास का ऐलान? फूट फूट कर रोते हुए खुद रोहित ने क्या कुछ बयान में कहा, वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को इतने जल्दी संन्यास लेना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है। पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेली। वहां पर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से प्रदर्शन दिखाते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। ये सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम को लंका के साथ ही वनडे सीरीज 3 मैचों की खेलनी थी, जिसका पहला मुकाबला 2 अगस्त को कोलंबो में खेला गया। वहां पर दोनों टीमों में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाकर मैच को बराबरी पर समाप्त किया, जिसके कारण कोई भी विजेता नहीं बन पाया। वहीं दूसरा मुकाबला 4 अगस्त को खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को शर्मनाक हार का स्वाद चखते हुए श्रीलंका की टीम ने इस मैच को 32 रनों से अपने नाम कर लिया, यानी कि श्रीलंका सीरीज में बढ़ावा बना चुकी थी। दोनों टीमों के बीच अंतिम और निर्णायक वनडे मुकाबला आज कोलंबो के मैदान पर खेला गया और यहां पर भी टीम इंडिया की शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने भारत के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रोहित के अलावा किसी का बल्ला नहीं चला। रोहित ने 35 रनों का योगदान दिया, लेकिन उसके बाद गिल से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हर कोई फ्लॉप रहा। दोनों तब ऐसा लगे कि खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम घुटने टेकी बैठी और इस मैच को भी श्रीलंका ने बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। भारत की हार के बाद हर कोई निराश हो चुका था। वहीं खेमे में भी सन्नाटा छा गया, यहां तक कि गौतम गंभीर भी बेहद मायूस दिख रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा काफी निराश थे। मैच खत्म होने के बाद रोहित ने ऐसा निर्णय लिया कि पूरा क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि आपने ही फैंस का दिल तोड़ दिया और अचानक संन्यास लिया, लेकिन क्रिकेट को अलविदा कहते हुए क्या कह दिया? तो चलिए हम आपको रोहित का वो भावुक कर देने वाला बयान सुनाते हैं। श्रीलंका के साथ सीरीज गंवाने के बाद रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मैं बेहद निराश हूं। हमने अपने खिलाड़ियों से जैसी उम्मीद की थी वैसा किसी ने परफॉर्म नहीं किया, मुझे काफी दुख हो रहा है। यह सीरीज हारने के बाद हमने श्रीलंका से आज तक कोई सीरीज नहीं हारी थी, लेकिन आज का रिकॉर्ड भी टूट गया। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, मैच में अपनी पकड़ मजबूत रखी, लेकिन हमारे कोई भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक सके। उनके गेंदबाजों ने आसानी से विकेट ले लिया। ये हार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, आगे उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने सोचा नहीं था कि हम हार जाएंगे, लेकिन यदि मैं अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकता तो मेरा कप्तान होने का या फिर गेम खेलने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मैं चाहता हूं अपनी टीम को वनडे विश्व कप दिलाकर इस जर्सी को छोड़ूं, लेकिन यदि हमारी टीम जीत नहीं पाएगी तो फिर ये जिम्मेदारी और कप्तानी किसी युवा खिलाड़ी को देने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, हार के बाद रोहित शर्मा का भी दर्द छलक उठा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम किस
इस वजह से ये सीरीज हार गई। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की शर्मनाक हार देखकर पूरा हिंदुस्तान निराश हो गया। वहीं टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने तो भारत के लिए जहर उगलते हुए ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपका भी गुस्सा फूट पड़ेगा। तो आखिर क्यों सानिया मिर्जा ने टीम इंडिया का उड़ाया मजाक, ऐसा क्या कह दिया भारत की शर्मनाक हार पर, वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया, लेकिन इस मुकाबले को देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई।